नई वीडियो में। ये वीडियो उन परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने मुंगेर यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए गेस्ट फैसिलिटी के रूप में अप्लाई किए थे, तो उसका दोस्तों हम स्टेटमेंट को यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया गया है, तो जिसे कॉल फॉर क्लेम रिप्रेजेंटेटिव और गेस्ट फैसिलिटी कहा जाता है, तो क्या है चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों मुंगेर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ आपको नीचे में कॉल फॉर क्लेम के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेस्ट फैसिलिटी पर क्लिक करनी है और आपको यहाँ इस तरह से पीडीएफ को खुल जाएंगे। पीडीएफ खुलने के बाद दोस्तों यहाँ आपका स्थान भी दिया गया है कि कहाँ ये होने वाली, स्थान किस जगह से दिया गया और किस कैंपस में होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने लगभग 8 महीना पहले आप लोग को एक वीडियो शेयर किए थे जिसमें से बताए थे कि आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी में जॉब निकली है जिसके लिए आप अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट ने अप्लाई भी किए थे। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों आपको डेट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया गया, टाइम दिया गया है और पैलेस दिया गया है। पैलेस बता देना चाहता हूँ कि मीडिया रूम ऑफ यूनिवर्सिटी बिल्डिंग RD&DJ कॉलेज के कैंपस में ही रखा गया है। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री से अप्लाई किए गए थे जॉब के लिए तो आपको 17 तारीख का डेट दिया गया और टाइमिंग दिया गया 10 से 5 तक। आप ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप डॉक्यूमेंट अटैचमेंट भी नहीं किए तो उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैचमेंट भी कर सकते हैं। 18 को 19 21 और 22 को इतने डेट को रखा गया है जिसके यहाँ सब्जेक्ट आपको मिलता है हिंदी और 18 को हिंदी पॉलिटिकल, 19 को पॉलिटिकल होम साइंस एंड पल्ली म्यूजिक और 20 को साइकोलॉजी संस्कृत इकोनॉमिक्स कॉमर्स, 21 को दोस्तों है कॉमर्स बंगला केमिस्ट्री फिजिक्स एंड उर्दू, 22 को दोस्तों बोटनी मैथ जियोग्राफी एंड इंग्लिश जियोलॉजी को रखा गया है। दोस्तों अगर आप अप्लाई किए गए थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर इसके बारे में उसको जानकारी नहीं पड़ी है तो। और उसके बाद देखते हैं तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट भी दिखाया गया है कि क्या आप डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट किए हैं और क्या नहीं, डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट नहीं किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका स्टेट का, सॉरी दोस्तों आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रखा गया है और आपका नाम भी है, यहाँ कैंडिडेट का नाम भी दिया गया, अभिनव कुमार डॉक्टर रविंद्र प्रसाद सिंह जनार्दन कॉलेज छपरा। इस तरह से देखते हैं फादर एंड एड्रेस का नाम भी दिया गया है, कितने मार्क्स लाए वो सब इसमें पूरी डिटेल के साथ जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों आपको किस किस का मार्क दिया गया है, यहाँ आपका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इतने सारे का सबका आपको मार्क्स यहाँ आपको अपडेट में मिलती है। और उसके बाद यहाँ क्या होती है कि टोटल ग्रांट्स भी दिया गया है, कैटेगरी दिया गया, टोटल स्टोर भी दिया, मार्क इन इंटरव्यू दिया गया, कितने आप इंटरव्यू में मार्क लाए, ये सब जानकारी पूरी डिटेल के साथ इसमें दिया गया है। अगर आप कैंडिडेट कास्ट भी दिया गया दोस्तों, अगर एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट नहीं किए थे उसका भी मेंशन इसमें किया हुआ है। देख सकते हैं कि कास्ट सर्ट वेटिंग नॉट HH PhD NET सर्टिफिकेट दोस्तों ये स्टूडेंट है जो BC1 के लिए है, इसमें नॉट HH PhD NET सर्टिफिकेट, इन्होंने सर्टिफिकेट को अटैच नहीं किया है तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके इसमें जानी होगी और जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप समझ में आ गए होंगे कि ये गेस्ट फैसिलिटी मुंगेर यूनिवर्सिटी द्वारा क्या नोटिस नोटिफिकेशन आ रही है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।